अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्रोस के चैप्टर 3rd का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द गंगा, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे गंगा। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैंने चैनल पर इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा इंग्लिश की, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 5 है, तो इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया है। और उसके अलावा इस चैप्टर में आपके जितने पैसेज थे वो भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, यानी जितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं इस चैप्टर में, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स ईच। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है कि व्हाट वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू। अब यहाँ पे प्रीसियस लिखा हुआ है, प्रीसियस मीन्स क्या होता है? प्रीसियस मीन्स होता है मूल्यवान, या फिर आप इसे कीमती भी बोल सकते हैं या फिर बहुमूल्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू, यानी नेहरू जी के लिए सबसे अधिक मूल्यवान उपहार क्या था। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2010 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, फिर 11 में भी पूछा गया, फिर 12 में भी पूछा गया, 12 के बाद 14 में, फिर उसके बाद 17 में, फिर 2019 में, यानी इतनी बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा। लव एंड अफेक्शन वॉज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट दैट पंडित नेहरू रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ही वॉज लकी इनफ टू गेट इट इन प्लेंटी फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लव एंड अफेक्शन वॉज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट दैट पंडित नेहरू रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ही वॉज लकी इनफ टू गेट इट इन प्लेंटी फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। यानी नेहरू जी के लिए सबसे मूल्यवान उपहार प्यार और स्नेह था जो उन्हें भारत के लोगों से मिला। वे इसे भारत के सभी वर्गों के लोगों से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए बहुत भाग्यशाली थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट डज पंडित नेहरू वांट टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। ये तो मैंने आपको तभी बताया था जब मैंने आपको चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन बताया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट डज पंडित नेहरू वांट टू बी
डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ, यानी मरने के बाद पंडित नेहरू अपने शरीर का क्या करवाना चाहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू वांटेड हिज एशेस इमर्स्ड। अब यहाँ पे इमर्स्ड लिखा हुआ है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी प्रवाहित करना या फिर डुबा देना। आप इसे डुबा देना भी बोल सकते हैं और प्रवाहित करना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पंडित नेहरू वांटेड हिज एशेस इमर्स्ड इन द गंगा आफ्टर हिज डेथ, ही हैड बीन अटैच्ड टू द गंगा ever since his childhood. The Ganga is the symbol of ancient Indian culture and civilization. तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पंडित नेहरू अपने मरने के बाद अपनी राख यानी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करवाना चाहते थे। वे अपने बचपन से ही गंगा से जुड़े हुए थे। गंगा भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे लास्ट में यहाँ पे लिखा है द गंगा इज द सिंबल ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट डज पंडित नेहरू सीक फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज पंडित नेहरू सीक फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया, यानी पंडित नेहरू भारत के अतीत से क्या खोजते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द गंगा हैज बीन टू हिम अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, रनिंग इन टू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, ही डज नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली, ही इज प्राउड ऑफ हर ग्रेट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है? इनहेरिटेंस मीन्स होता है विरासत, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द गंगा हैज बीन टू हिम अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, रनिंग इन टू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, ही डज नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली, ही इज प्राउड ऑफ हर ग्रेट इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। उनके लिए गंगा भारत के अतीत का प्रतीक तथा यादगार रही है, जो वर्तमान में प्रवाहित होकर भविष्य के महान सागर की ओर जाती है। वे अपने को भारत के अतीत से पूर्णतया अलग नहीं करना चाहते। वे कौन? पंडित नेहरू जी। ध्यान रखिएगा, पंडित नेहरू जी अपने को भारत के अतीत से पूर्णतया अलग नहीं करना चाहते हैं, उन्हें उसकी महान विरासत पर गर्व है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड हिम ऑफ। क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड हिम ऑफ, गंगा उन्हें किस बात की याद दिलाती थी। उन्हें से मतलब क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू जी को, यानी गंगा पंडित नेहरू जी को किस बात की याद दिलाती थी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द गंगा रिमाइंडेड हिम ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयाज विच ही हैड लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द गंगा रिमाइंडेड हिम ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज विच ही हैड लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। यानी गंगा उन्हें, यानी गंगा पंडित नेहरू को हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों तथा गहरी घाटियों, जिन्हें वे बहुत अधिक प्रेम करते थे, तथा निचले विशाल तथा घने मैदानों की याद दिलाती थी।
तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वास्ट लिखा है, वास्ट मीन्स क्या होता है, विशाल होता है, और प्लेन्स मीन्स मतलब क्या हो जाएगा, मैदान, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको इस चैप्टर में करवा रहा हूँ द गंगा वाले में, इतना ही आप पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एशेस टू बी इमर्स्ड इनटू द गंगा, यानी पंडित नेहरू अपनी राख यानी अस्थियों को किस प्रकार निपटाना चाहते थे, ये यहाँ पे पूछा गया है। फिर इसके बाद और यानी अथवा करके एक क्वेश्चन लिखा है, हाउ डज नेहरू वॉन्ट हिज एशेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, यानी पंडित नेहरू अपनी राख यानी अस्थियों को कैसे विसर्जित करना चाहते थे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइप आपका लिखा है ये वाला, ये पूछा गया है 2012 के बोर्ड एग्जाम में। फिर यहाँ पे जो अथवा करके आपका लिखा है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 के बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन चाहे आपसे ऐसे पूछा जाए, चाहे और करके जो आपका ये लिखा हुआ है ऐसे पूछा जाए, लेकिन इसका जो आंसर होगा, आंसर आप लोगों का एक ही होगा। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो आंसर यहां पे लिखा हुआ है, नेहरू वांटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेस स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया सो दैट ही माइट बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन सॉइल। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट अ हैंडफुल, हैंडफुल मीन्स क्या होता है, मुट्ठी भर, ध्यान रखिएगा। तो ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एशेस His ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, नेहरू वांटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेस स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया सो दैट ही माइट बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन सॉइल। ही आल्सो रिक्वेस्टेड दैट हैंडफुल ऑफ हिज एशेस बी थ्रोन इन टू द गंगा एट अलाहाबाद टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉशेस इंडिया सोर्स। यहाँ पे लिखा है, नेहरू अपनी राख के अधिकांश भाग को भारत के खेतों में बिखेरा जाना चाहते थे, ठीक है, नेहरू अपनी राख के अधिकांश भाग को भारत के खेतों में बिखेरा जाना चाहते थे, यानी वो ये चाहते थे कि उनकी राख को भारत के खेतों में क्या कर दिया जाए, बिखेर दिया जाए, ताकि वे भारत की मिट्टी के भाग बन जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राख का थोड़ा सा हिस्सा गंगा में डाल दिया जाए जिससे वह इसे समुद्र में ले जाए जो भारत के तटों को धोता है, ठीक है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दो तरीके से पूछा जाएगा लेकिन आंसर आपका एक ही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि वॉट ट्रेट्स, अब यहाँ पे ट्रेट्स लिखा है, TRAITS, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है लक्षण, या फिर आप इसे गुण भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गुण बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि वॉट ट्रेट्स ऑफ नेहरूज कैरेक्टर आर ब्रॉट आउट इन द लेसन, यानी इस पाठ में नेहरू जी के चरित्र के कौन से गुण बताए गए हैं। दो बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 में और 2017 में, तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, नेहरू लव्ड द गंगा बिकॉज ही हैड बीन अटैच्ड टू हर सिंस हिज चाइल्डहुड। ही डिड नॉट कंसीडर हर अ सेक्रेड रिवर, ही कंसीडर्ड दिस ग्रेट रिवर एज अ सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चर इन कल्चर इनहेरिटेंस। दैट इज वाई ही विज्ड दैट अ हैंडफुल ऑफ एशेस शुड बी थ्रोन इन टू द गंगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेहरू गंगा से प्रेम करते थे, नेहरू जी गंगा से प्रेम करते थे क्योंकि उनका बचपन से ही इससे लगाव था, वो गंगा से काफ़ी जुड़े हुए थे, इस रिवर से काफ़ी जुड़े हुए थे।
वे इसे पवित्र नदी नहीं मानते थे। वे इस महान नदी को भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मानते थे। यही कारण है कि उनकी इच्छा थी कि उनकी मुट्ठी भर राख गंगा में डाल दी जाए। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सैक्रेड लिखा हुआ, ये देखिए सैक्रेड रिवर। सैक्रेड मीन्स क्या होता है? पवित्र होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज। अब सिंबलाइज मीन्स यहाँ पे प्रतीक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, यानी गंगा किसका प्रतीक है? और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 2012 में और 2016 में, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? गंगा सिंबलाइज इंडियाज आर लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? गंगा सिंबलाइज इंडियाज आर लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इट इज एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा। यानी गंगा भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, या निरंतर बदलती हुई, निरंतर बहती हुई है, फिर भी वैसी ही गंगा है। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू शुड इंडिया गेट रिड ऑफ एंड वाई। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू शुड इंडिया गेट रिड ऑफ एंड वाई। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2014 के बोर्ड एग्जाम में, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू डिस्कार्डेड पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, ही वॉन्टेड इंडिया टू रिड हिमसेल्फ ऑफ ऑल बॉन्डेजेस दैट ब्लाइंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट बाइंड। बाइंड मीन्स क्या होता है? बांधना। क्या होता है? BIND लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बाइंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बांधना होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, तो बाइंड हर एंड डिवाइड हर पीपल एंड सरपास वास्ट नंबर्स ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्प्रिट। स्प्रिट मीन्स क्या होता है? स्प्रिट मीन्स होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू डिस्कार्डेड पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, ही वांटेड इंडिया टू रिड हिमसेल्फ ऑफ ऑल बॉन्डेजेस दैट बाइंड हर एंड डिवाइड हर पीपल एंड सर पास वास्ट नंबर्स ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। यानी पंडित नेहरू जी ने प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है। वह चाहते थे कि भारत स्वयं को उन सब बेड़ियों से मुक्त कर ले जो उसे बांधती है और अनेक लोगों को विभाजित करती है और उनमें असंख्य का दमन करती है, आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती है। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाई वॉज पंडित नेहरू सो मच अटैच्ड टू द गंगा। यानी पंडित नेहरू जी गंगा से इतने अधिक संबद्ध क्यों थे, इतना अधिक वो क्यों जुड़े हुए थे, क्यों इनको इतना लगाव था। क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के बोर्ड एग्जाम में, फिर उसके बाद 2016, 2017 और 2019, कितनी बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नेहरू हैज बीन अटैच्ड टू द गंगा एट अलाहाबाद सिंस हिज चाइल्डहुड। ही प्लेड ऑन इट्स बैंक, ही बाथड इन द गंगा, ही स्वैम इन टू द गंगा एट अलाहाबाद।
यानी नेहरू जी बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा से संबद्ध रहे, जुड़े रहे वह इसके तट पर खेले। कौन? पंडित नेहरू जी गंगा के तट पर खेले, वह गंगा में नहाए, यानी पंडित नेहरू जी ने गंगा में स्नान भी किया, वह इलाहाबाद में गंगा में तैरे भी। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसीलिए नेहरू जी गंगा से काफ़ी अटैच्ड थे, काफ़ी जुड़े हुए थे, काफ़ी संबद्ध थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाई डिड नेहरू वॉन्ट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेस बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, यानी नेहरू जी क्यों चाहते थे कि उनके अंतिम अवशेष के अधिकांश भाग को भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। और ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, 2014 और 2016 में, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा, नेहरू वॉन्टेड दैट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस to be scattered over the fields of India because he loved India. He loved India. He wanted to mingle with the dust and soil of India. यानी नेहरू जी चाहते थे कि उनके अंतिम अवशेष का अधिकांश भाग भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, क्योंकि वे भारत को प्यार करते थे, भारत से बहुत प्यार करते थे, भारत से उनको काफ़ी लगाव था, वे भारत की मिट्टी और भूमि में मिल जाना चाहते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, दो बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, व्हाट वाज द नेहरू अनेबल टू रिपे टू द इंडियन पीपल, यानी नेहरू जी भारतीय लोगों की क्या चीज वापस लौटाने में असमर्थ थे। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2015 के बोर्ड एग्जाम में, 2015, फिर उसके बाद 2017, फिर उसके बाद 2018। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों का यहाँ पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, नेहरू वॉज अनेबल टू रिपे द लव एंड अफेक्शन टू द इंडियन पीपल। ये तो मैंने आपको जब ट्रांसलेशन बताया था इस चैप्टर का, हिंदी ट्रांसलेशन वहीं पे बताया था। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़ लिया है अच्छे से ना, तो क्वेश्चन के आंसर्स तो आप लोग वैसे ही कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, नेहरू वॉज अनेबल टू रिपे द लव एंड अफेक्शन टू द इंडियन पीपल, यानी नेहरू जी भारतीय लोगों के प्यार एवं लगाव को लौटाने में असमर्थ थे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये इस चैप्टर के जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपल, यानी नेहरू जी ने भारतीय लोगों से क्या प्राप्त किया 2017 के बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नेहरू रिसीव्ड द लव एंड अफेक्शन इन एबंडेंस फ्रॉम इंडियन पीपल, यानी नेहरू ने भारतीय लोगों से प्रचुर मात्रा में प्रेम तथा स्नेह प्राप्त किया। नेहरू रिसीव्ड द लव एंड अफेक्शन इन एबंडेंस फ्रॉम इंडियन पीपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर में आपके टोटल 12 क्वेश्चंस दिए थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके 12 क्वेश्चन दिए गए थे, जो कि मैंने आपको पूरे यहाँ पे करवा दिए हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन करवाया, फिर उसके बाद जितने पैसेज आप लोगों के थे वो भी मैंने आपको करा दिए, और आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी सभी करवा दिए हैं। जितना पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इसी में से आपका पूरा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ाता हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब इस चैप्टर में केवल आपका लॉन्ग क्वेश्चन बचा है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका बचा है और मैच द वर्ड बचा है, ये भी मैं आपको जल्द से जल्द फिनिश करवा दूंगा, फिर ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा,
कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।